दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाला। आप सबको पता है कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में आए हुए हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से कल पूरे दिन से न्यूज़ चल रही है, खासकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जो टेस्ट हो रहे हैं वह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो वहीं पर उनको रखा गया है। और आज सुबह ही खबर आई थी कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो गोद ली हुई बेटी, जो कि काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी रही है पिछले कुछ सालों से, हनीप्रीत इंसा, वो उनके पास पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यह खबर आई थी लगभग सुबह 8:30 के आसपास। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बेटी हनीप्रीत इंसा मेदांता हॉस्पिटल में पहुँच गई है और वहीं पर उन्होंने अपना कार्ड भी बनवा लिया है, जिसके चलते कि हनीप्रीत इंसा 15 जून तक डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मिल सकती है और उनकी देखभाल कर सकती है। क्योंकि आप सबको पता है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जब से उनकी तबीयत खराब होने लगी है तब से अब तक 3-4 बार वह हॉस्पिटल में आ चुके हैं, 2 बार रोहतक की PGI में, तो वहीं पर 1 बार अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। वहीं पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इसको लेकर पहले चिंता कर रहे थे, लेकिन कुछ राहत की खबर मिलने लगी कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बिल्कुल अच्छे से तंदुरुस्त और स्वस्थ है, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में थोड़ी राहत की खबर फैली और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जो गुरु है वो स्वस्थ रहे और सलामत रहे। दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 9वीं मंजिल पर रखा गया है, जो कि उनका कमरा नंबर है 4643, जहाँ पर के अब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास हनीप्रीत इंसा कभी भी आ जा सकती है, जिन्होंने के अब अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है, जिस कारण वह 15 जून तक डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की देखभाल करेंगी। वहीं पर दोस्तों डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी काफ़ी लोग भड़के हुए थे सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से हनीप्रीत इंसा के खिलाफ भी लोग गालियां देते थे हनीप्रीत इंसा को या अनाप शनाप बोलते थे, उनके मुंह पर भी यह जोरदार तमाचा है जिस तरह से लोग हनीप्रीत इंसा पर या मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे थे, तो अब यह साबित हो गया कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास देखभाल के लिए खुद हनीप्रीत इंसा पहुंची है, तो इससे उन लोगों को जरूर करारा झटका लगा है जो लोग डेरा सच्चा सौदा की संगत को अपने पीछे लगाकर किसी तरह से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे या फिर डेरा सच्चा सौदा के जो विरोधी है उनसे पैसा हेंटना चाहते थे, उन लोगों को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। हालांकि उनको पहले भी हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जिस तरह से 25 अगस्त 2017 से डेरा सच्चा सौदा से रोहतक की सुनारिया में चले गए हैं, उसके बाद से ही लगातार यह ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो गया था। इन्होंने शुरुआत में तो ना डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, ना ही डेरा सच्चा सौदा पर सवाल उठाए, ना ही डेरा सच्चा सौदा में जो शाही परिवार रह रहा उस पर सवाल उठाए, ना हनीप्रीत इंसा पर सवाल उठाए। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को तोड़ने के लिए धीरे धीरे पैंतरे अपनाए। उन्होंने शुरुआत में तो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों पर इल्जाम लगाए तरह तरह के, और भी न जाने क्या क्या झूठे ही बेवजह के सबूत बनाकर डेरा सच्चा सौदा की संगत के सामने रखते रहे कि देखिए इन जिम्मेवारों की वजह से ये सब हुआ है, इन जिम्मेवारों की वजह से ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि आपको बता देंगे उन्होंने शुरुआत में
भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से लेकर सीबीआई अदालत पर सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उनके उनको लगने लगा कि तुम्हारे साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़ रहे, तो उन्होंने डेरा सौदा के जिम्मेवारों पर सवाल उठाना शुरू किए, और तब लगा कि उनको अभी भी तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तो धीरे धीरे डेरा सौदा के जिम्मेवारों से उठकर उन्होंने आईटी विंग पर सवाल उठाए। उसके बाद डेरा सौदा का एडम ब्लॉक है, उस पर सवाल उठाए, उनके खिलाफ न जाने क्या क्या अपनी तरफ से ही सबूत बनाकर क्या क्या पेश किए, और भी बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि लोगों को लगने लगा था कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी डीरस चसोदा की साध संगत उनके पीछे नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने और बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। जब आपको पता है कि हनीप्रीत इंसा अम्बाला की सेंट्रल जेल में बंद थी, तो तब उन्होंने हनीप्रीत इंसा के लिए आवाज़ उठाई थी, हनीप्रीत इंसा को अच्छा बताए थे। लेकिन तभी हनीप्रीत इंसा जब जमानत पर डेरा सौदा में पहुंच जाती है, तो उसके बाद से खुद हनीप्रीत इंसा उन लोगों पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है और एक प्रेस नोट जारी कर देती है। उस प्रेस नोट के जारी होते ही अचानक से वो लोग हनीप्रीत इंसा पर भी सवाल उठाने लग गए और हनीप्रीत इंसा के खिलाफ न जाने अनाब शनाब क्या क्या इल्जाम लगाने लगे। आपको बता दें कि उन लोगों ने हर तरह की कोशिश की जिससे कि डेरा सौदा साध संगत डेरा सौदा की मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाए, और उन्होंने न जाने क्या क्या पैंतरे अपनाए, जिसके बाद उन लोगों ने डेरा सौदा की मैनेजमेंट और एडम ब्लॉक के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे और सोशल मीडिया पर हर दिन लाइव आकर और भी न जाने अनाप शनाप पोस्टें डालकर अखबारों की कटिंग को गलत तरीके से एडिट कर करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और जो डेरा सौदा के खिलाफ जो न्यूज़ चैनल है या जो मीडिया कर्मी हैं उनके पास जा जाकर डेरा सौदा की मैनेजमेंट की और डेरा सौदा के जिम्मेवारों की और एडम ब्लॉक की बुराई करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि अभी भी उनके पीछे लोग नहीं लग रहे, तो उन्होंने आखिरकार डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के शाही परिवार पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी, और शाही परिवार पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए उन लोगों ने, और हनीप्रीत इंसा को तो गालियां तक देने लग गई थी। जिसके बाद के डेरा सौदा की बहुत सारी साध संगत जो उनके पीछे लगी हुई थी वो उनसे दूर होती चली गई। और आपको बता देंगे अब जिस तरह से डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास देखभाल के लिए हनीप्रीत इंसा को रखा गया है, तो इससे यह साफ जाहिर हो जाता कि जो लोग सवाल उठा रहे थे डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की जो चिट्ठियां आई थी उन पर सवालिया निशान लगा रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने तो फेसबुक पर लाइव आकर माफ़ी तक मांग ली कि हमने गलत किया उन चिट्ठियों को झूठा बताकर, लेकिन आपको बता देंगे वो लोग अभी भी इसमें भी कोई ना कोई ऐसे कमियां ढूंढते रहते हैं जिससे कि उनको मौका मिल जाए कि वो लाइव आ रहे तो किस टॉपिक पर आए और किस तरह से डेरा सौदा की साध संगत को तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि दोस्तों जिस तरह से उन्होंने हनीप्रीत इंसा को गालियां दी थी, हनीप्रीत इंसा पर सवालिया निशान उठाए थे, तब डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास हनीप्रीत इंसा अटेंडेंट के रूप में देखभाल करेगी 15 जून तक का उनका कार्ड बन गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो कह रहे थे कि डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को फंसाने में हनीप्रीत इंसा का हाथ है, तो फिर डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मिलने के लिए हनीप्रीत इंसा कैसे जाती रही, कैसे वह वकीलों के साथ जेल में भी गई है, और अब मेदांता हॉस्पिटल में भी हनीप्रीत इंसा ही डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ रहेगी। तो दोस्तों ये उन लोगों को करारा जवाब है जो लोग बार बार डेरा सौदा की मैनेजमेंट और डेरा सौदा के जिम्मेवारों पर सवाल उठाते थे। अभी भी समय है जो लोग उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उनसे पीछा छुड़ा कर आप डेरा सौदा में जाएं। बहुत से लोग तो ऐसे हो गए थे दोस्तों जो उनके पीछे लगे हुए थे वो नामचर्चा तक में जाना छोड़ गए थे, जो उनके पीछे लगकर डेरा सौदा जो कि दम कहा जाता है वहां तक जाना छोड़ गए थे केवल उनके पीछे लगने के कारण। आप खुद सोच सकते हैं उनकी संगति कितनी बुरी है जो सेवा सिमरन परमार्थ हर किसी चीज से दूर करती जा रही है, और ऐसे लोगों के साथ लगने वाले लोग खुद मूर्खतापूर्ण अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की जरूरी सूचना, आपसे निवेदन है कृपया करके इस वीडियो को अन्य साध संगत के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग भी ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जाने अनजाने में वो भी इन लोगों से छुटकारा पा सके। धन्यवाद दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।